शेयर करूंगी मेरी प्रेगनेंसी का, मतलब प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग में थी क्या थी, कैसे थी, और मैंने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों को, और बहुत सारी चीजें हैं, और क्या कॉम्प्लिकेशंस थी. वैसे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी ज्यादा बड़ी, बट थोड़ी बहुत चीजें थी जो हम लोग खुद कंफ्यूज थे. क्या ये प्लानिंग था, क्या ये हमने प्लान से किया था या फिर ऑटोमेटिक हो गया, सारी चीज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करें. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर से जरूर करना, ठीक है. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो मेरा प्रेगनेंसी का जो टाइम था वो जून में था, 15 जून. आफ्टर पीरियड मिस होने के बाद, मतलब 10-15 दिन जो होता है मिस होने के बाद, हमें लगा कि शायद हो गया है. बट प्रेगनेंसी किट के साथ मैंने चेक किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब 3-4 बार चेक किया, उसमें आ ही नहीं रहा है. उसमें प्रेगनेंसी का मतलब वो जो दो डबल टिक रहता है उसमें आ ही नहीं रहा है. सो हम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो गए, मतलब अटेंशन वाली बात है कि इसमें क्यों नहीं आ रहा है, और मिस भी हो गया पीरियड तो पीरियड भी नहीं आ रहा, और ना ये हो रहा है. सो इस वजह से ज्यादा हमें टेंशन हो गई. फिर हमने फर्स्ट अपॉइंटमेंट ली, मेरा मदरहुड में अपॉइंटमेंट है, वहीं से सब कुछ चल रहा है. मतलब हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, आगे का मैं बता नहीं सकती कि आगे क्या है, अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा है. और वहां मैंने अपॉइंटमेंट लिया, वहां में हम गए चेकअप के लिए, उनको मैंने किट भी दी. और उसमें कैसा आ रहा था पता है, एक रेड, पूरा रेड आ रहा था, डार्क रेड आ रहा था, और एकदम लाइट, एकदम लाइटली आ रहा था. सो उन्होंने बोला कि 10 दिन हुए हैं, आप उसको 5 दिन के बाद वापस से चेक करो, अगर नहीं होता है तो ब्लड टेस्ट से फिर कंफर्म हो जाएगा. उसके बाद हमने 5 दिन के बाद वापस से चेक किया, बट उसके बाद भी उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था. सो नेक्स्ट ऑप्शन था ब्लड टेस्ट. सो हमने ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट में जाके हमें पता चला कि यस इट्स पॉजिटिव, ठीक है. उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट से हमें पता चला ऑलमोस्ट इसके लिए हमें 1 मंथ, हमें, मुझे लगता है इसमें आराम से चला गया था. हमें खुद ही नहीं पता था कि मैं, मुझे मतलब खुद ही नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं. उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद ही, इस प्रोसेस के बाद ही पता चला कि हाँ वी आर प्रेग्नेंट. सो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो गए, तब से लेके अब तक प्रोसेस चल ही रहा है. एक ना एक दिन बाद, मतलब 1 महीने पे बुलाती है कभी कभी, और या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो 2 महीने पे, अरे 2 हफ्ते पे, 2 वीक में. सो उनका रेगुलर चेकअप होता रहता है, उसके बाद से सारी दवाई. बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी जैसे कि हार्ट बीट वगैरह चेक किया जाता है. सो वो बहुत ही मेन रहता है, मतलब बेबी का हार्ट बीट परफेक्ट होना चाहिए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर अलग अलग प्रोसेस होता है. तो मेरा एक बार हुआ था प्रॉब्लम, हार्ट बीट प्रॉपर नहीं हो रहे थे. सो उसके बाद मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हुए थे. उसके बाद 2-3 बार बुलाया गया, 2-3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, सारी चीजें फिर प्रोसेस में स्टार्ट हो गई. ये तो मैं ओरली बता रही हूँ, वो सारी वीडियोस मैंने बनाई है, मैं आपको पार्ट वाइज शेयर करती जाऊंगी. हम हॉस्पिटल में गए, और मतलब चेकअप के लिए आपका टंकी फुल होना चाहिए, प्रेशर एकदम अच्छे से होना चाहिए, तो ही आपका चेकअप होगा, तो ही आपका अल्ट्रासाउंड होगा. मतलब चेकअप में मेरी तो हालत ही खराब होती थी. सारी वीडियोस मैंने रखी हुई है, आपको मैं जरूर जरूर शेयर करूंगी बहुत ही जल्द. सो क्योंकि अब टाइम आ चुका है. उसके बाद अल्ट्रासाउंड मोस्टली 2 महीने में, 1 महीने में किया जाता है, बट स्टार्टिंग में ऐसी प्रोसेस थी, हार्ट बीट का कुछ प्रॉब्लम था, तो मुझे 1 महीने में 2-3 बार करवाया गया, क्योंकि हार्ट बीट चेक करना था बेबी का, वो ठीक है कि नहीं ठीक है. उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट हुए, फिर मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद बेबी का हेल्थ एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया. इसीलिए मैंने लोगों को लेट बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब मेरा खुद ही मन नहीं था बताने का, और फिर ऐसी चीजें थी तो फिर ऐसा लगा कि क्यों अभी बताना है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तब मैं सबको शेयर करूंगी. उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लोगों को शेयर किया, घर में तो सबको पता ही था, ऑफकोर्स घर में तो सबको पता ही रहेगा अभी. तो फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लोगों को शेयर किया, उसके बाद
फिर मेरा टेस्ट हुआ थायराइड वगैरह ये सब का, तो मुझे थायराइड भी हो गए हैं, मतलब अभी तो नॉर्मल है, उसकी तो मेडिसिन वगैरह स्टार्टिंग से चल रही है, थायराइड नॉर्मल है, उसके बाद ये 2 महीने से मेरा बीपी भी नॉर्मल है, फिर उसके बाद शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, शुगर भी है। ऐसा है कि शुगर, थायराइड या फिर बीपी का अगर प्रॉब्लम हो रहा है प्रेगनेंसी में अगर आपको या फिर किसी को भी, तो वो जब तक बेबी है आपके पास, आपके मतलब आपके अंदर, तभी तक वो प्रॉब्लम होती है, उसके बाद बेबी होने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। सो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है, मुझे भी नहीं पता था, मैं जब सुनी कि मुझे शुगर है उसके बाद मेरे होश उड़ गए थे। मम्मी ने इन्होंने सबने समझाया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने से सबसे मेन चीज टेंशन, सबसे बड़ी बीमारी टेंशन, ये बिल्कुल भी नहीं करना है इन दिनों, क्योंकि अगर आप मेडिसिन कितना भी खा रहे हो, अगर आपके मन में ये है कि यार कैसे होगा, सो इसके लिए तो कोई मेडिसिन मिलने वाली नहीं रही है, इसके लिए तो कोई मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, सो टेंशन से और भी बढ़ता है, सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, सो टेंशन बिल्कुल भी मतलब। और उसके बाद जो ये चीजें होती हैं, थायराइड, शुगर, बीपी, ये हमारे जेनेटिक में रहती है, मतलब मेरी मम्मी के घर पे, ऑफकोर्स मेरी मम्मी, मौसी, मामा सभी को है, सो फिर वो आ जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है बेबी होने के बाद। प्रेगनेंसी प्लानिंग ऐसा था, प्रेगनेंसी हमारी समझ लो प्लान ही किया था हमने, बट ऐसा सोचा नहीं था कि सक्सेसफुल हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि अचानक से सब कुछ हो गया, सब कुछ प्लान किया हुआ था, और टाइम भी काफी हो गया था, लोगों का सुन सुन के डर भी लगता है यार कि एज ज्यादा होने के बाद भी नहीं होते हैं, सो एक वो भी होता है ना दिमाग में कि यार अब टाइम हो चुका है, और हमारा टाइम हो भी गया था, सो हमने सोचा कि अब चौका मार ही देते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें प्लानिंग से की गई थी, क्योंकि टाइम भी हो गया है, और फिर घर में बहुत शांति थी इसीलिए सो ये सब चीजें मतलब ठीक है यार, वो सब चीजें बहुत जरूरी है, और एक स्टेज के बाद हर एक चीज जरूरी होती है, हमें लगता है कि यार ये सब क्यों हो रहा है, हम पहले जैसे थे वैसे क्यों नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार, चेंजेस होना जरूरी है, सो अगर चेंजेस नहीं होंगे तो आप लाइफ से बोर हो जाओगे, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार चेंजेस जरूरी है, पहले मुझे भी लगता था यार इतना सब कुछ क्यों, बट जैसे जैसे टाइम अगर बीत रहा है आपका, जैसे जैसे हमें समझ में आता है, वैसे वैसे समझ में आता है कि यार सारी चीजें बहुत 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 जरूरी है। सो ये था मेरे प्रेगनेंसी का थोड़ा बहुत जर्नी, मैंने जो आपको बोल के शेयर किया है, उसके बाद जो मैंने वीडियोस बनाई है ना आपको शेयर जरूर करूंगी, स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सारे अल्ट्रासाउंड मैंने करवाए हैं, सारी चीजें मैंने करवाई है, क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें सब कुछ आपको मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करूंगी। ये तो था एक ओरली, लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यार कैसे, कब, क्यों, कहां, सो शेयर करना जरूरी था। सो ये वीडियो बस मैं इतना ही कर रही हूँ, इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, लेंदी होने के बाद आप वीडियो देखते नहीं हो, सो स्किप करने लगते हो, इसीलिए मुझे वीडियो बस इतना ही आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। मैं भी थक गई हूँ, और भी आपको अगर वीडियोज चाहिए प्रेगनेंसी रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और शायद मैं आपके साथ थोड़ी बहुत मदद कर पाऊं आपकी। सो ये वीडियो बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब जरूर करें, बाय।